करो का देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जहां दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सरकार से इस दौरान कहा कि हमारा सब्रब खत्म हो रहा है, हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर नहीं रुकेगा। बुधवार सुबह आनंद विहार में AQI 452, वही आरकेपुरम में 433 और पंजाबी बाग में 460 और ITO में 413 AQI दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ के KGMU के OPD में रोज खांसी और अस्थमा के अटैक से 50 से 60 मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रामचरितमानस पर विवादास्पद टिप्पणी मामले पर सपा नेता और MLC स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। प्रभारी जिला जज सुभाष चंद तिवारी की अदालत ने मामले में दाखिल निगरानी याचिका मंजूर कर ली है। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तय कर दी गई है और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी करने का भी आदेश पारित किया गया है। राजधानी लखनऊ में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों के साथ नगर निगम प्रशासन के डेंगू से निपटने की तैयारी को लेकर भी तमाम दावे कर रही है, लेकिन उन दावों की पोल भी खोलती हुई ये तस्वीरें सामने हैं। वार्डों में कीटनाशक छिड़काव के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। Zone 3 के मड़ियाओं के हालात इतने बुरे हैं कि बीच रोड पर कूड़ा पड़ा हुआ है और कीड़े और मच्छर बीमारियों को दस्तक दे रहे हैं। ये हमारी रिपोर्ट देखिए। कूड़ा फेंका नहीं जा रहा है बल्कि नगर निगम द्वारा डलवाया जा रहा है और ये सड़क पर कूड़ा पड़ा हुआ है और जो मैदान है वो ग्रीन बेल्ट है नगर निगम की। ग्रीन बेल्ट और सड़क पर कूड़ा डालने पर मैंने इसमें एक शिकायत की थी पिछले साल 11 अक्टूबर को नगर निगम से कि इसको हटवाया जाए, गंदगी हो रही है। वहाँ से हमको जवाब मिला कि कार्रवाई हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बाद में यहाँ कूड़ा डालने वालों को जब ठेलिया से ला करके लोग कूड़ा डालते हैं पूछा गया तो पता चला कि यहाँ पर सुपरवाइजर और नगर निगम के निरीक्षक पुष्कर सिंह पटेल उनके आदेश पर डाला जा रहा है। राजधानी लखनऊ में जहाँ एक तरफ डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कूड़ा और गंदगी का भरमार देखने को मिला है। आज हम मौजूद हैं मड़ियाओं के सेंट जोसेफ स्कूल के पास। यहाँ पर गंदगी का भरमार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस कदर के गंदगी है और ये बीच रोड पर नगर निगम द्वारा यहाँ पर कूड़ा डलवाया जा रहा है। बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लगातार नगर निगम के दावे जो हैं वो फेल होते नज़र आ रहे हैं। ये Zone 3 नगर निगम Zone 3 का मामला है। यहाँ पर नगर निगम कर्मचारी खुद ही यहाँ पर कूड़ा डलवाते हैं। यहाँ पर लोग रहते हैं, मकान है, मकान में रहने वाले लोगों को कितनी समस्या होती है, डेंगू की प्रकोप से वो ग्रसित हो सकते हैं। इस बात को नगर निगम Zone 3 के कर्मचारी की कोई चिंता नहीं है। लगातार देखा गया है कि नगर निगम Zone 3 में इस कदर के जो क्षेत्र हैं उसमें गंदगी है जिससे डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ हम बात करते हैं तमाम अपने छिड़काव के, तमाम जो अपने तरीके हैं उसमें दवाओं के, तो वहीं दूसरी तरफ मड़ियाओं के सेंट जोसेफ स्कूल के पास यहां पर गंदगी का भरमार देखने को मिला है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट के पीछे किस कदर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अवैध रूप से यहाँ पर जो लोग हैं वो कब्जे करके रह रहे हैं और बीच रोड पर आप देख सकते हैं, आप बीच रोड पर गंदगी का भरमार, डेंगू का प्रकोप, तमाम तरीके की बीमारियाँ और यहाँ पर बीच रोड पर गंदगी का भरमार नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम Zone 3 के कर्मचारी इस पर
क्या संज्ञान लेते हैं, क्या यहाँ पर जो गंदगी हो रही है उसकी वजह से फैलने वाली जो बीमारियाँ हैं उनको रोका जा सकेगा, या फिर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो खाना पूर्ति करके इस मामले को रफा दफा कर देंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आशीष के साथ मैं मोहम्मद उवैस, लखनऊ से प्राइम टीवी। राजधानी लखनऊ में इमरजेंसी डायल 112 में संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर विरोध आज 3 दिनों से लगातार वो प्रदर्शन कर रही हैं। इको गार्डन में प्रदर्शन कर रही महिला कर्मचारियों ने नियुक्ति पत्र देने की मांग भी की है। इस दौरान महिला कर्मचारियों का आरोप है कि अब नई कंपनी को इसका ठेका दे दिया जा रहा है। वही प्रदर्शन कर रही 112 की महिला कर्मचारियों से मिलने सपा महिला डेलीगेशन जूही सिंह के नेतृत्व में इको गार्डन पहुंचा और उनका हाल चाल जाना। जूही सिंह का इस मामले पर साफ तौर पर कहना है कि 112 की महिलाओं की मांगे जायज हैं, सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कलीम, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए डायल 112 महिला कर्मचारियों का जो ये प्रदर्शन है ये लगातार देखने को मिल रहा है। अब तो इस मामले पर एडीजी को भी उनके पद से बर्खास्त किया गया है, लेकिन क्या महिलाओं की मांगों को सुना गया है, इस मामले पर क्या अपडेट मिल पा रही है, महिलाओं से बात करिए कलीम। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो सोमवार से डायल 112 की जो महिलाएं हैं वो लगातार अपना विरोध दर्ज करा रही हैं, क्योंकि इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें इको गार्डन की ही हैं, जहां पर आप साफ तौर से देख रहे हैं सोमवार से लेकर आज बुधवार यानी कि तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी इन महिला कर्मचारियों का पूरी तरीके से विरोध जारी है। अगर बात की जाए जो इन लोगों की वार्ता को लेकर के, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस मामले में अब पॉलिटिकल मुद्दा भी जिस तरीके से घूम रहा है, तो उस मामले को देखते हुए फिलहाल यूपी 112 के जो एडीजी अशोक कुमार थे उनको तो हटा दिया गया, लेकिन जो चार्ज की अगर बात की जाए नीरा रावत को इस मामले में चार्ज दिया गया। लेकिन अगर मामले में अगर ज़्यादा तफ्तीश की अगर बात करें तो इस मामले में अभी तक इन लोगों का जो आश्वासन था वो आश्वासन केवल अभी तक आश्वासन ही दिख रहा है, किसी तरह की कोई खास जो कार्रवाई की बात की जाए उस पर किसी तरह की कोई नतीजे पर नहीं पहुंची। और जिस तरीके से जो यहाँ पर लोग बैठी हुई हैं, अगर हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश भी अगर करते हैं तो आखिर यहाँ पर ये लोग जो खुद बैठी हैं ये लोग खुद अपनी बयानी बताएंगे कि आखिर जो अभी तक की जो चीज़ें हैं उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला है। ये बताइए आपका नाम क्या होगा? समरीन जी, ये बताइए आप लोग सोमवार से लगातार अपना प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी मांगों को लेकर के बातचीत कर रही हैं, एडीजी के ऊपर कार्रवाई हो गई, जो प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया वो कंपनी के लोग आप तक पहुंचे बात करने के लिए? सर आए थे पर उन्होंने कोई बात नहीं करी हम लोगों से, सिर्फ वो अपनी मांग को रख रहे हैं, बस हमारी नहीं सुन रहे हैं वो लोग। आप लोगों की जो मांगे रही हैं ऑफर लेटर, सैलरी बढ़ाना और वीकली ऑफ के लिए, तो क्या इन मांगों को लेकर के कोई बातचीत हुई आप लोगों की? सर अभी नहीं हुई है। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो बैठी हैं इन लोगों का साफ कहना है कि जो प्राइवेट कंपनी है उनसे तो अभी इस मामले में किसी तरह की कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन अगर हम अपने कैमरामैन से थोड़ा सा तस्वीर दिखाने के कहेंगे तो आप तस्वीरों में साफ तौर से देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से जो महिला कर्मचारी बैठी हुई है उनके साथ यहाँ पर जो सपा का डेलीगेशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर इसी के बगल की जो तस्वीरों की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेस का भी जो डेलीगेशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ऐसे में आप दोनों ही डेलीगेशन से बातचीत करिए कि वो किस तरीके से इन प्रदर्शनकारी महिलाओं के समर्थन में हैं और आगे इनका क्या प्लान होगा, किस रणनीति के तहत ये इन प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ होंगे। देखिए जाहिर सी बात है मुस्कान जी, जिस तरीके से यहाँ पर आप जो कांग्रेस का डेलीगेशन देख रहे हैं, हम जो डेलीगेशन है उनसे अगर बातचीत भी करेंगे तो डेलीगेशन से साफ तौर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से जो यहाँ पर जो समर्थन दिया हुआ है तो समर्थन को लेकर के जिस तरीके से सर आप लोग यहाँ पर महिला कर्मचारियों को समर्थन दिए हुए हैं, सोमवार से लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, अजय राय भी यहाँ पे कल आए थे, वो भी इन लोगों से बातचीत किए थे, आप लोग अपना समर्थन किस तरीके से दे रहे हैं, कैसे इन लोगों का पूरी तरीके से साथ देंगे, इनकी आवाज़ को उठाएंगे? हम लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल आए थे, पूरी आवाज़ उठाए और पूरा किया और हम लोग आज तब से कल से लेकर के आज भी इनका बैठ करके समर्थन दे रहे हैं और इनके रहने, उनके चाय पानी, उनकी, क्योंकि ये भूखी प्यासी लड़कियाँ एक उसकी अपनी नियमितीकरण के लेकर के अपनी एक सैलरी को बढ़ाने के लिए करके अपनी मांगों के इतने इतने दिन से हैं, उनकी एक कोई इंक्रीमेंट नहीं बढ़ाया जा रहा, इस बात को लेकर के अपनी बात ये रख रहे थे, उस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से अपनी बात कहने जा रहे थे और उसके बाद जिस प्रकार से घसीटा गया, जिस प्रकार से उनके साथ प्रताड़ना की गई, जो आपने वीडियो देखा बनाया और उसको देखा गया, उससे अमानवीकरण
तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग, हम लोग इनके साथ, इनकी मांगों के साथ, इनको खाने पीने की और इनके रोज की नित्य क्रिया के कार्यक्रमों को रोका जा रहा है। किस तरीके से आगे का जो कदम उठाएंगे वो कदम क्या रहेगा? जो भी इनकी मांगे होंगी उन लोगों को लेके हाउस से लेकर के रोड तक इनका हम समर्थन करेंगे और इनकी इनकी इस जनभावनाओं को इनके साथ खड़े हैं और इनके खाने पीने रहने की, क्योंकि अभिभावकों को आने नहीं दिया जा रहा, हर तरीके से हम लोग इनके साथ हैं। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से ये कांग्रेस का डेलीगेशन था जो पूरी तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ है वो लगातार समर्थन दे रहा है, लेकिन अगर हम इसी के बगल की जो तस्वीरों की बात करेंगे, यहाँ पर आप दूसरी तस्वीर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो सपा का डेलीगेशन है वो भी मौजूद है, क्योंकि सपा की अगर बात की जाए, आप जो तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे हैं ये पूजा शुक्ला को, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मंगलवार की बात की जाए, मंगलवार को ये लगातार यहाँ पर बैठी रही थी, बैठने के साथ साथ पूरी रात इन लोगों के साथ में रहीं, और उसके बाद जब सुबह हुआ तो सुबह भी दोनों डेलीगेशन एक साथ होकर के पूरी तरीके से समर्थन दिया हुआ है, और समर्थन देने के साथ अगर बातचीत की जाए इस समर्थन के दौरान जो इन लोगों की पूरी रणनीति है, उस रणनीति के तहत जो आगे की का काम है वो किस तरीके से लोग देखेंगे और कैसे पूरा समर्थन देंगे, उस चीज को भी लेकर के बातचीत में पहले तो सुनील साजन जी यहाँ पे मौजूद हैं। सुनील जी से पहले बात कर लेते हैं कि सुनील जी ये बताइए, आप भी महिलाओं को पूरी तरीके से समर्थन दिए हुए हैं, अखिलेश यादव जी भी लगातार एक्सपर्ट ट्वीट कर रहे हैं, लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, जो नई कंपनी को टेंडर दिया गया उसके द्वारा जब इन लोगों को बाहर निकालने की जो बातें सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर के आप लोगों ने जो समर्थन दिया है, तो समर्थन के बाद आगे आप लोग क्या कुछ रणनीति तय कर रहे हैं? देखिए माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इन बहनों को समर्थन दे रहे हैं, ट्वीट करके सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये तब कर रहे हैं जब सरकार ने मौका दिया। सरकार इन बहनों के साथ अन्याय कर रही है। जिस डायल 100 को माननीय अखिलेश जी ने सपा सरकार में बनवाया, इस सरकार ने केवल उसका नाम बदल दिया, अंक बदल दिए, 112 कर दिया, उससे इन बहनों को क्या राहत हुई? ये अगर 3 दिनों से धरने पर बैठी हैं, आप नारी बंधन नारी अभिनंदन का नारा दे रहे हैं और पुलिस आपकी लाठी मार रही है, किस तरीके से हम लोगों ने चैनलों पर और सोशल मीडिया में देखा कैसे अन्याय हो रहा है और किसके साथ अन्याय हो रहा है, जो पुलिस की सहयोगी है, कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिनका रातों दिन योगदान है, अगर सरकार उनकी नहीं सुन रही है, और हम तो ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है या कंपनी चल रही है, और वो कंपनी जो फ्रॉड थी उसने अपना नाम बदल लिया, आखिर सरकार की क्या बेबसी है या कहां सरकार भ्रष्टाचार कर रही है कि लोग ब्लैक लिस्टेड कंपनी को नाम बदल करके फिर उसी को काम मिल गया और वो उन बहनों की बात नहीं सुन रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए, पुलिस के बड़े अधिकारियों को सुनना चाहिए, और अगर नहीं सुन रही है तो समाजवादी पार्टी लगातार इनके समर्थन में है, और जब तक सरकार इनके सामने झुक नहीं जाती तब तक समाजवादी पार्टी इनके समर्थन में रहेगी। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, ये सुनील साजन जी थे जिन्होंने कई बातें कही, और अगर इसके साथ अगर बात की जाए जो रात भर यहाँ पर इन महिला कर्मचारियों के साथ बैठी रही हैं, क्या कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ा या कौन कौन अभी तक आया, क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि जो अभी की बात सामने ये आई है कि जो महिला कर्मचारी लगातार यहाँ पर अपना विरोध कर रहे हैं, इस मामले में एक तरफ तो कार्रवाई हुई लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों पर FIR भी हुई है। FIR के दौरान की अगर बात की जाए, लगातार यहाँ पूजा भी थी, तो हम पूजा से भी अगर बातचीत करेंगे, ये बताइए पूजा जी, आप रात भर यहाँ पर इन लोगों के साथ रही हैं, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की है, तो इसको लेकर के आप लोग आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए परसों सुबह से ही लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, 2 रातें सड़क पर इन्होंने गुजारी हैं, ठंड की रातें हैं, ओस गिर रही है, और जिस तरह का उत्तर प्रदेश का माहौल है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस माहौल में बेटियां अपने वेतन की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही हैं, वेतन को बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, महंगाई बढ़ गई है, सब्जी दाल तेल सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं, और इन बेटियां यहाँ पे जो है 90% रेंट पे रहती हैं, तो आप सोचिए कि कैसे वो अपना रेंट देंगी, कैसे वो दाल सब्जी का पैसा देंगी, तो कम से कम सरकार उनको उनका डेली वेजेस, उनका अधिकार है कि 500 रुपए से अधिक सैलरी उनकी तो होनी ही चाहिए, तो एटलीस्ट उनकी जो मिनिमम मूलभूत उनके जो अधिकार है वो तो सरकार उनको दे, उनके राइट्स का क्यों हनन कर रही है सरकार। हम लोग रात में थे, जिस तरह से पुलिस ने माहौल बना दिया कि किसी के अगर घर में इमरजेंसी जाना है नहीं जाने दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इस तरह से कब तक आंदोलन चलेगा और इस तरह से कब तक हम लोग सरकार से लड़ेंगे?
हाँ तो देखिए जाहिर सी बात है मुस्कान जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे जो महिला कर्मचारी हैं, हम अगर उनकी तस्वीरों की बात भी करेंगे तो आप साफ तौर से यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, हम उन तक पहुँचने की भी अगर बात करें तो हम उन तक खुद पहुँचेंगे और इनसे जो है इस पूरे मामले को जानेंगे कि आखिर जो अब जो कदम पुलिस के द्वारा उठाया गया, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई की बात थी इन लोगों के द्वारा जो लगातार डेलीगेशन पहुँचा था, डेलीगेशन खुद इस मामले में जानकारी चाह रहा था कि आखिर जो कार्रवाई है वो दोषियों पर कार्रवाई, लेकिन अब जो प्राइवेट कंपनी के पास जो टेंडर गया है, विभिन्न कंपनी के कुछ लोग भी यहां पर आए थे, कल जो बातचीत हुई थी, क्या बातचीतों से ये लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हुए या फिर क्या आखिर जो मांग थी, जो मांगों को उनके द्वारा नहीं माना गया और लगातार आज तीसरे दिन भी ये लोग अपना विरोध दर्ज करा रही है। लेकिन करीम देखिए यहां पर एक अहम बात जो निकल के सामने आ रही है कि प्रदर्शन कर रही डायल 112 ये जो महिला कर्मचारी है इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। क्या इन प्रदर्शनकारी महिलाओं को इस बारे में कोई जानकारी है कि उनके खिलाफ कुछ नामजद और कुछ अज्ञात FIR दर्ज की गई है? देखिए मुस्कान जी, FIR की अगर बात की जाए तो FIR तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो इनकी मांगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों को वो निकाला गया है कंपनी से, मेन मुद्दा तो यहाँ पर ये यह है, क्योंकि पुलिस तो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो FIR करती है या कार्रवाई करती है वो एक अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो कंपनियों की जो इन लोगों की मांगों की बात करेंगे तो ये लोग खुद अपनी बातें बताएंगे मुस्कान जी, क्योंकि आप इनकी जुबानी खुद सुनेंगे कि किस तरीके से। ये बताइए, आपके पास कल जो कंपनी आई थी, कई डेलीगेशन आए थे, जो जिम्मेदार लोग आए थे, उन्होंने बातचीत आप लोगों से की, आप लोगों ने अपनी मांगे रखी, क्या उन मांगों से वो लोग संतुष्ट दिखे थे? सर हमें कोई बात नहीं करनी, हमें जो चाहिए हमने सब कुछ बता दिया, हमें सब CM सर से मिलना है, हमें न्याय चाहिए, हमें और कोई बात नहीं करनी, किसी से भी कोई बात नहीं करनी। तो FIR की बात आ रही है, आप लोग आके इतना कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं फायदा हो रहा है, आप लोग काम करिए अपना बस, हमें कोई बात ही नहीं करनी किसी से, आप लोग क्या चला रहे हैं बस, हमारी कोई हेल्प हो नहीं पा रही है। जाहिर सी बात है मुस्कान जी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं फिलहाल, ये लोग अपनी जो बात है, क्योंकि ये लोग साफ तौर से CM से मिलने के को लेकर के पूरी तरीके से जो एक डटे हुए हैं, लेकिन अगर इन लोगों की बातचीत की बात की जाए, CM तक जो बात पहुँचनी है वो पहुँचने की बात की, क्योंकि ऐसा कोई डेलीगेशन इन तक नहीं आया, लेकिन बहुत लाजमी है, अगर ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं तो भी बिल्कुल सटीक है, क्योंकि लगातार 3 दिनों तक प्रदर्शन करना, सर्द रातों में अपना समय बिताना, उसके बावजूद भी ADG को तो पद से हटा जाता है लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है, तो इनका गुस्सा कलीम बिल्कुल लाजमी है। बात की जाए 3 दिनों से जिस तरीके से ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, ठंड के बीच में लगातार रात बिता रहे हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए रात को और जिस तरीके से यहाँ पर पूरी रात बीत रही है, पुलिस का घेरा भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के खिलाफ भी लगातार इन लोगों का आक्रोश भी है, क्योंकि अगर बात की जाए UP 112 की जो भी सूचनाएँ आती हैं 75 जिलों की, ये लोग सूचनाएँ को पुलिस के पास ट्रांसफ़र करते हैं कि आखिर वहाँ पर जो मदद पहुँचे, लेकिन अगर इनकी अगर मदद की बात की जाए तो फिलहाल अब ये लोग खुद मदद की गुहार लगा रहे हैं और मदद की गुहार लगाने के साथ साथ जो CM से मुलाकात की जो बात रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरीके का कोई भी नतीजा नहीं निकला है जिससे कि इनकी बात ऊपर तक पहुंच सके। फिलहाल जो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम तस्वीर और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक लाइव मौके से पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं मिलने से नाराज समाजवादी पार्टी अब राजस्थान में भी कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राजस्थान के पास सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और जाहिर है कि ऐसे में कांग्रेस की ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले सपा ने मध्य प्रदेश में 74 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटों पर कांग्रेस को चुनौती देगी। सपा यहां अलवर जिले की राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थाना गाजी, धौलपुर, भरतपुर की नदवई और नगर सीट पर अपने प्रत्याशी लड़ा रही है। सपा को उम्मीद है कि पार्टी यहां पर अच्छा प्रदर्शन भी करेगी। लखीमपुर खेड़े के गांव एघरा में आंगनबाड़ी केंद्र से मंगलवार की सुबह घर जा रहे 2 बच्चों का गांव के ही पिता पुत्र ने अपहरण कर लिया। समय से घर नहीं आने पर परिजनों ने बच्चे की तलाश शुरू की और परिजनों ने पुलिस को खबर दी और खुद तलाश में जुट गए। करीब 4 घंटे की तलाश के बाद गन्ने के खेत में बोरी में बंद दोनों बच्चों के परिजनों को उनका शव भी मिला है। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।
खबर औरैया से है जहां नुक्कड़ नाटक के समय दो पक्षों में कहासुनी को लेकर कुछ लोगों ने अवैध असलहा से हमला किया है। फायर के दौरान महिला को गोली भी लगी है और महिला को तत्काल सीएचसी बिधुना में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए उसे रेफर कर दिया है। वही पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। बता दें कि बिधुना कोतवाली की यह पूरी घटना है। लगभग 10 बजे करीब सूचना आई थी कि ये ग्राम पंचायत रठगांव पड़ता है, जिसमें दो गांव है अगल बगल, नगला गोसाई जहाँ की पीड़ित महिला है मालती कठेरिया, जिन्होंने बताया कि ये पड़ोस के गांव बोझा के कुछ लोग शिवपाल, उसके लड़के कमलेश, हिमांशु, गोलू और रवि, इन सब लोगों के द्वारा एक इस गांव में कुछ नुक्कड़ नाटक टाइप का मदारी, ये जो लोग हैं ये यहाँ पे कुछ कर रहे थे, खेल तमाशा टाइप का ये सब लोग देख रहे थे। तो ये नई उम्र के सब लड़के हैं, इन्होंने कुछ हुहल्ला किया, महिला के परिवार वालों ने विरोध किया कि इस तरीके से ना किया जाए, तो इन लोगों में आपस में लड़ाई हो गई जिसमें महिला धक्का मुक्की से गिर भी गई और इनके बताने के हिसाब से एक हिमांशु और प्रांशु, इन लोगों ने कोई अवैध शस्त्र लिया था जिसे फायर करने से महिला के चेस्ट पर कुछ चोट और एक ऐसे छर्रे जैसी जो निशान लग रहा है। जनपद बहराइच के खैरी घाट इलाके में देर शाम एक शख्स पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें युवक लहूलुहान हो गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि शरीर पर फरसे से कई बार वार किया गया है। इस मामले में पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। वही इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी दुखी राम को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मामले की जांच लगातार की जा रही है। जनपद बहराइच के थाना खैरीघाट क्षेत्र की शिवपुर बाजार की घटना है, जिसमें अनिल कुमार सोनी को दुखी राम द्वारा गालीगलौज किया गया एवं फरसा मारकर घायल कर दिया गया। अनिल कुमार सोनी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है एवं दुखी राम को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है, दुखी राम को जेल भेजा जा रहा है, इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।